मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। कि 70 पैसे की बोतल बनती है और 10 रुपए की बिकती है, 72 पैसे में बनता है कोका कोला, 10 रुपए में बिकता है। और आप याद करिए, हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में, उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था। मुरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोका कोला को भगा दिया था। क्यों? एक बार मुरारजी भाई देसाई ने कोका कोला की फाइल मंगाई थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। तो हुआ क्या था कि कोका कोला की फाइल मंगाई और पूछा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या करती है, क्या बेचती है। तो पता चला कि कोका कोला कंपनी आई थी 1966 में 6.5 लाख रुपया लेके आई थी अमरीका से, और जिस साल मुरारजी भाई की सरकार बनी थी उस साल कोका कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था। तो मुरारजी भाई ने कहा कि करती क्या, पानी बेचती, उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा भगाओ उसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और कोका कोला कंपनी को नोटिस दिया गया और कोका कोला कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ा, बिना एक पैसे का मुआवजा दिए हुए कोका कोला को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वही कोका कोला फिर घुस गया इस देश में, और उसके बाद अब पेप्सी कोला भी घुस गया। और ये क्या कर रहे हैं, एक साल में पेप्सी कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए का है और कोका कोला कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का है। एक साल में इन दोनों कंपनियों का 2000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है हमारे मार्केट में, पैसा बर्बाद हो रहा है। और पहले क्या था कि कुछ हमारी स्वदेशी कंपनियां भी थी, अब इन दोनों कंपनियों ने सबको हड़प लिया। हमारी एक कंपनी थी पार्ले जो थम्सअप और लिमका बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल। क्या हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए बेवकूफी में बर्बाद हो रहे हैं देश की इकोनॉमी के। हम क्या करें, पेप्सी और कोका पीना बंद करें। और कभी भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए तो बोतल को मुंह से लगाने के 2 मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं ये परदेशी कंपनी का पानी पीऊं? और तब आपके हाथ से अगर बोतल छूट जाए और गिर जाए तो आपसे बड़ा देशभक्त इस समय कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए देशभक्ति की अब एक ही परिभाषा है कि आप अगर विदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं और पैसा देश के बाहर जा रहा है और ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है। तो ऐसा काम मत करिए, हिंदुस्तान को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हर साल हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। तो ऐसे समय में हमको एक एक पाई बचानी है इस देश की। तो आपको मैं ये निवेदन करने आया कि अपने घर से ये अंग्रेजियत भगाइए, माने विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए, और ज्यादा से ज्यादा बन सके उतने वो सामान खरीदिए जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं, ताकि पैसा किसान के पास जाए।